मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, इस बात को भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक की टीम सिद्ध भी कर रही है, और यह भी कि देश का किसान ही देश की जनता का अन्नदाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक की टीम कई जगहों पर किसान रसोई की शुरुआत कर इस वैश्विक महामारी के समय में देश के लोगों तक खाना वितरण करने का कार्य कर रही है, वो भी बिना सरकार के किसी सहयोग के। पिछले 32 दिनों से निरंतर वह यह कार्य कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष मनीष यादव का क्या कुछ कहना है। रोल, जैसा कि आज आपका 32वां दिन है, आप 32 दिनों से लगातार जो है सेवा कर रहे हैं लोगों की, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही है कि जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके पास धन या राशन की व्यवस्था है, वो लोग अपने क्षेत्र के गरीबों को, मजदूरों को जो ज़रूरतमंद वाकई में है इस समय, उनकी मदद करें, उनको भोजन उपलब्ध कराएं। अगर भोजन नहीं उपलब्ध करा सकते हैं तो राशन की व्यवस्था कराएं, आर्थिक व्यवस्था, दवा दारू, जिस तरीके की भी व्यवस्था कर सकते हैं। सब लोगों को इस समय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। एक जो धार्मिक रूप जो इसको दिया जा रहा है कोरोना जैसी महामारी के दौर में लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हम इसको नहीं मानते हैं। सरकार अपना जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं ये प्राकृतिक मामला है। ईश्वर ने इतनी बड़ी विपदा दी है, अभी भी हम लोगों को समझना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। अभी तक इतनी बड़ी बड़ी कंट्री जो विज्ञान पर पूरा भरोसा रखती थी, आज वो भी कोरोना जैसी महामारी बीमारी की एक भी वैक्सीन नहीं बना पाई है। से साबित होता है कि कुदरत के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी भी समझना चाहिए। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस समय जब पूरा भारत बंद है, पूरा भारत क्या हम कहेंगे, पूरी दुनिया में बंद है, सारे कारखाने बंद हैं, कार के कारखाने बंद, फ्रिज, टीवी, जितना भी सुविधाएं जो थी सब बंद है, तब हमारे देश का किसान जो है खेतों में काम कर रहा है, अपनी फसलों को इकट्ठा करके, अनाज की व्यवस्था करके पूरे भारत का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का पेट भरने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार कभी भी किसानों के प्रति जिम्मेदारी नहीं उठाने को तैयार होती है। इस समय हम यही कहना चाहेंगे सरकारों से कि जिस तरीके से आप लोग उद्योगपतियों की मदद करते हैं, उनको राहत पैकेज, तमाम तरीके की आर्थिक व्यवस्थाएं देखते हैं, हम समझते हैं कि इस समय किसान अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है, इस महामारी में जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, हमारा किसान खेतों में जो है गेहूँ काट रहा है, फसल तैयार कर रहा है, सब्जी की व्यवस्था कर रहा है, इनके पास पैसा भरा है, आज वो पैसा नहीं खा सकते, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अनाज और सब्जी फल की व्यवस्था किसान करता है तभी उनका पेट भरता है। तो समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे देश का किसान जब संपन्न होगा तभी भारतवर्ष हमारा संपन्न होगा। धन्यवाद।